अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के लिए नया एक टॉपिक उठाएंगे, रादर एक यूनिट। यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑलरेडी बेटा मैंने आपको किंगडम्स के बारे में कहा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड वी हैव कंप्लीटेड किंगडम प्लांट। सो नाउ वी आर लेफ्ट आउट विद किंगडम एनिमेलिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम एनिमेलिया, रादर वी कैन राइट इट एज एनिमल किंगडम। We can write it as animal kingdom. So, बेटा सबसे पहले animal kingdom में आते कौन है और इस kingdom को हम क्या कहते हैं? Kingdom animal या बेटा animalia? Kingdom animal या animalia जो है बेटा मेरा, ये हमारे पास kingdom है consumer organisms। It is a kingdom of consumer organisms. क्या बोला मैंने? ये animalia जो है ये kingdom है किनका? Consumer organisms का। किनका है बेटा? Consumer organisms का, जिनमें हमारे पास क्या होती है? Having ingestion. Having ingestion type. So बेटा ये क्या करते हैं? ये ingest करते हैं, यानी इनके पास ingestion type of nutrition होती है। So animalia किनका kingdom है? ये kingdom है consumer organisms का, जिनमें हमारे पास ingestion type of nutrition होती है। और बेटा सबसे important बात आपको याद रखनी है, ये लार्जेस्ट किंगडम है। क्या है बेटा? इट इज द लार्जेस्ट किंगडम, यानी ये जो है एनिमल किंगडम, ये क्या है बेटा? ये लार्जेस्ट किंगडम है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लार्जेस्ट किंगडम है जिसमें लगभग 1.2 मिलियन मेंबर्स है, विथ ओवर 1.2 मिलियन members. Getting my point? So what I said, kingdom animalia is a kingdom of consumer organisms which have ingestion type of nutrition. This is the largest kingdom with over 1.2 million members. ठीक है बेटा? इसमें जो है animals, यानी इनमें जो है ये जो एनिमल्स हैं इसमें, ये क्या हो सकते हैं? एनिमल्स कूड बी सीडेंट्री या एनिमल्स कूड बी मोबाइल। सो अब यहां पर दो टर्मिनोलॉजीज आ गई कि मोबाइल एनिमल्स किनको कहेंगे और सीडेंट्री एनिमल्स किनको कहेंगे। सीडेंट्री एनिमल्स जो है बेटा ये क्या होते हैं? सम एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस, इसमें हमारे पास कुछ एनिमल्स है, सम एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस, हमारे पास बेटा मेरा कुछ एनिमल्स है जैसे स्पॉन्जेस है, वो क्या होते हैं? वो फिक्स रहते हैं। कहां पर? आर फिक्स्ड टू अ प्लेस, ये बेटा एक ही जगह होते हैं, आर फिक्स्ड टू अ प्लेस, यानी जहां पर ये एक ही जगह पे होते हैं
ऐसे एनिमल्स को वो क्या करते हैं, यानी ये फिक्स रहते हैं फॉर ऑल, यानी या तो हमेशा के लिए फिक्स रहते हैं और ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल, और ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल, यानी जो इनका जिंदगी का वक्त होता है, या तो ये पूरे ता जिंदगी जब तक जिंदा है तब तक वहीं पे रहते हैं, या उस अपने लाइफ के कुछ हिस्से में ये वहां पर होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, सीडेंट्री एनिमल्स। लेकिन बेटा कुछ एनिमल्स हैं जो मोबाइल हैं, मोबाइल कहते हैं हम बेटा जो एक दूसरे जगह जा सकता है, यानी मोस्ट एनिमल्स हैव लोकोमोटरी ऑर्गनलीज, यानी उनको जो है, मोस्ट एनिमल्स हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी इनके पास जो है बेटा लोकोमोशन करने के लिए अल्लाह ताला ने इनके पास वैसे ऑर्गन्स रखे हैं, और इसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं, हैंड्स आर एबल टू मूव। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स फिर क्या कर पाते हैं बेटा, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम हैं, मैं अभी हाथ पैर उठा रहा हूं, इधर जा सकता हूं उधर जा सकता हूं, या मैं मूवमेंट करता हूं, ये मैं खाली किसकी वजह से करता हूं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स की वजह से, यानी जो हमारे पास लेग्स होते हैं और उनकी वजह से हम, या बेटा हमारे पास लिम्ब्स होते हैं उनकी वजह से हम ये सारे चीजें जो है कर पाते हैं। सो व्हाट आई सेड, मैंने कहा एनिमलिया जो है, किंगडम एनिमलिया जो है, ये वो किंगडम है जिसमें कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स पड़ते हैं जो एनगल्फ करते इंजेशन करते हैं, और ये लार्जेस्ट किंगडम है जिसमें लगभग 1.2 मिलियन मेंबर्स है। और बेटा ये एनिमल्स जो है ये क्या हो सकते हैं, ये सीडेंट्री भी हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं। सीडेंट्री किनको कहते हैं, वो एनिमल जैसे हमारे पास, बेटा मैं अंडरलाइन करूंगा, हमारे पास खाली एनिमल किंगडम में स्पॉन्जेस है जो फिक्स्ड होते हैं एक ही जगह पे, और ये या तो पूरी जिंदगी रहेंगे वहीं पे, या थोड़े टाइम के लिए जो इनका लाइफ साइकिल है उसमें कुछ हिस्से में ये वहां पर रह सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं जो एनिमल किंगडम के होते हैं। सो हम बोल सकते हैं बेटा क्या इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहली बात, ये जो है सारे मल्टी सेलुलर है। पहला कैरेक्टर जो है बेटा, हम क्या कह सकते हैं, ऑल आर मल्टी सेलुलर। ऑलरेडी बेटा आपको पता है, जब हमने सेल पढ़ा उसमें हमने कहा सेल्स दो किस्म के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, यानी ऑर्गेनिजम्स या तो एक सेल के बने हुए होंगे या एक से ज्यादा सेल के बने हुए होंगे। तो यहां पर हमारे पास ये क्या है, एक तो मल्टीसेल्यूलर है और बेटा ये यूकैरियोटिक है, यानी इनकी सेल जो है, सेल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, या प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं। ऑलरेडी आपने पता है प्रोकैरियोटिक हो गए जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, यहां पर इनके पास बाकायदा वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। सो पॉइंट नंबर वन, यहां पर हम कह सकते हैं ऑल आर मल्टीसेल्यूलर और यूकैरियोटिक। नंबर टू बेटा, हम क्या कह सकते हैं, इनमें दे हैव हेटीरियोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या इनके पास क्या है बेटा, दे हैव हेटीरियोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनके पास क्या है बेटा, इनके पास दे हैव हेटीरियोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी बेटा हमें मालूम है न्यूट्रिशन भी हमें दो ही होते हैं, या तो वो खुद बनाने वाले होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो यहां पर जो है, जो खुद अपनी न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, यहां पर ये जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है,
हेटीरियोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा मेरा। सो इसका मतलब हुआ ये जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में हमारे पास क्या है, एक तो ये मल्टी सेलुलर है, दूसरा इनके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटीरियोट्रॉपिक है। ठीक है बेटा। और तीसरा जो है बेटा, ये सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ये सारे बेटा कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स किनको कहते हैं, एंड यानी यहां पर जो है इकोलॉजिकली ये कंज्यूम करने वाले होते हैं। एज यू नो बेटा, तीन चीजें हमारे पास है। पहला जो फूड को बनाते हैं यानी उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, फिर बेटा प्रोड्यूसर्स के बाद जो उस फूड को खाते हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, फिर जब वो कंज्यूमर मर जाते हैं उनको जो डिकम्पोज करता है तो उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। हमारे इकोसिस्टम के अंदर इन तीनों की जरूरत है। प्रोड्यूसर्स में हमारे पास प्लांट्स आते हैं, फिर कंज्यूमर्स में बेटा हमारे पास अलग अलग आते हैं, यानी बेटा हमारे पास आ सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। बेटा मेरा हमारे पास इसमें आ सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसी तरीके से हमारे पास आएगा टर्शियरी कंज्यूमर, सो या टर्शियरी कार्निवोर भी हम इनको कहते हैं। सो ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, कंज्यूम करने वाले। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूंगा जिसको हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन में बेटा हमने प्लांट को देखा, प्लांट ने अपनी न्यूट्रिशन खुद कर दी। इस प्लांट को मानो शीप खाता है या बेटा इसको डियर खाता है, उस डियर को कौन खाता है बेटा, टाइगर खाता है, यानी ये बन गया कंज्यूमर, ये भी बन गया बेटा कंज्यूमर। लेकिन अब स्टेज है प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है, टर्शियरी कंज्यूमर कौन सा है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, शाबाश राजा बेटा, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो जहां पर डाउट हो बताइएगा, कोई मसला नहीं है। सो बेटा कंज्यूमर्स नंबर थर्ड, इनमें जो है बेटा मेंबर्स जो है, इनमें हमारे पास बाकायदा के तौर पर ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डज इट मीन, यानी दे आर प्रेजेंट एंड आर यूजुअली इंटरनल। यानी ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, एक तो प्रेजेंट भी होते हैं और यूजुअली कहां पे होते हैं बेटा, यूजुअली इंटरनल होते हैं। और हर एक ऑर्गन को अपना अपना काम है, हर एक ऑर्गन को बेटा क्या है, अपना अपना काम है। और इनमें जो है बेटा इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो इनकी बॉडी बनी हुई है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है बेटा, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो सकती है, ये इट इज सेल्यूलर लेवल। जैसे स्पंजेस में हमारे पास सेल्यूलर लेवल, या तो बेटा ये हमारे पास इनमें कुछ ऑर्गन ऑर्गन, यहां पर कुछ एनिमल्स जो है उनकी बॉडी खाली सेल्स की बनी हुई होती है तो उसको सेलुलर लेवल कहते हैं, या कुछ में सेल्स भी होती है, टिश्यू भी होती है, उनको हम टिश्यू लेवल कहते हैं। तीसरा जो है बेटा ऑर्गन लेवल, और लास्ट वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है बेटा। सो ये सारा जैसे हमने सेल में भी पढ़ा, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं बेटा मेरा, टिश्यू, टिश्यू क्या बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन क्या बनाता है बेटा ऑर्गन सिस्टम। सो ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं लास्ट में, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। सो यहां एनिमल किंगडम में हमारे पास इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलुलर लेवल भी हो सकता है, टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी, और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी। ठीक है बेटा। और जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, इनको अच्छे से क्या होती है बेटा, ग्रोथ भी है। यानी एनिमल किंगडम का कैरेक्टर है कि इट इज डेफिनेट
यहाँ पर जो है प्लांट्स में इनडेफिनिट होती है, लेकिन ग्रोथ जो है बेटा यहाँ पर क्या होती है, डेफिनेट, क्योंकि यहाँ तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बढ़ता जाएगा तो स्काई को टच करेगा, नहीं बेटा, ग्रोथ होती है। जैसे हमें पता है कि जब हम यूजुअली देखते हैं, पहले जाइगोट होता है, फिर ये जाइगोट जब ग्रो हो जाता है बेटा तो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद जो है बेटा फीटस, फीटस के बाद यहां पर जो है बच्चा पैदा हो जाता है, गोया ये यहां तक आ गया। ये वाली ग्रोथ जो है इसको हम ध्यान तो नहीं देते हैं, खाली मां देती है जो कंसीव करती है, लेकिन यहां पर जब बच्चा पैदा होता है तब हम गिनना शुरू करते हैं, कितने पहले कितने दिनों का, फिर हम देखते हैं कितने महीनों का, फिर जब ईयर पूरा हो जाता है तो बनाते हैं हम हैप्पी बर्थडे, तो ईयर ईयर हम गिनते रहते हैं। तो बेबी के बाद ये जब ग्रो हो जाता है तो बेटा क्या होता है, ये चाइल्ड बनता है, चाइल्ड के बाद फर्दर एडल्ट बनता है, लेकिन बेटा इसकी जो है ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, यानी जब ये एडल्ट हो गया तो उसकी ग्रोथ अब स्टॉप हो जाती है, फिर ये कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, स्टॉप आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। सो ये डेफिनेट है, लेकिन बेटा ये ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी। तो बेटा यहां पर जो ही ये बच्चा एडल्ट स्टेज में आ गया, प्यूबरिटी इसने क्रॉस करी और 18 इयर्स तक ये आ गया, तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ स्टॉप होने का मतलब यहां उसकी हाइट अब नहीं बढ़ेगी और जो इसके जो ऑर्गन्स है वगैरह वो सारे बराबर आ गए, ठीक है बेटा मेरा। उसके बाद हम ये कह सकते हैं जितने भी एनिमल्स है उनमें क्या है बेटा, उनकी एक डेफिनेट शेप भी है, इनकी क्या है बेटा, सो सारे एनिमल्स जो है बेटा इनकी क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी एक डेफिनेट शेप है, क्या है बेटा, इनकी डेफिनेट शेप है और इनकी डेफिनेट सिमेट्री भी है, इनकी डेफिनेट शेप है और डेफिनेट सिमेट्री है, यानी हमारे पास, लेकिन अब यहां पर कुछ इरेग्युलर फॉर्म्स भी है, इरेग्युलर हो गया जिनको कोई शेप नहीं होती है, इरेग्युलर फॉर्म्स भी हमारे पास पाए जाते हैं, इरेग्युलर फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन सम लोअर ग्रुप्स, ठीक है बेटा, लेकिन बाकी जो है इरेग्युलर फॉर्म्स जो है ये किन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सम लोअर ग्रुप्स, गेटिंग माई पॉइंट बेटा मेरा, शाबाश। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें उनके बाद इनके बावजूद जो ये एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन किसको कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा लोकोमोटरी ऑर्गनली, जैसे मैंने सीडेंट्री और मोबाइल कहा, तो इसके लिए मोस्ट एनिमल्स जो है इसमें क्या है बेटा, मोबाइल होते हैं, यानी ये मूव कर पाते हैं From one place to another, move from one place to another, यानी with the help of locomotory organs. लेकिन बेटा इनमें जैसे मैंने beginning में भी कहा हमारे पास sponges है, some forms are, यानी हमारे पास उनको हम sedentary कहते हैं, sponges जो है बेटा वो क्या होते हैं, sedentary, यानी ये फिक्स होते हैं एक ही जगह पे, यानी या तो अपने लाइफ में पूरा वहीं पे फिक्स होंगे या अपने जो लाइफ का आधा हिस्सा है वो वहां पर गुजारेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है तमाम एनिमल्स जो है उनमें कैरेक्टर है, इनमें बाकायदा एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। और क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर सिस्टम, एनिमल्स के अंदर क्या होता है बेटा मेरा, वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर सिस्टम, एनिमल्स के अंदर क्या होता है बेटा मेरा, वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर सिस्टम, किस लिए, ये परफॉर्म करने के लिए, शाबाश, फॉर
परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। से फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में आपको कहूंगा यू स्टैंड अप, दैट मीन्स मैं यहां पर कोई इशारा कर रहा हूं, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट, और विद दैट आई एम डूइंग दीज ऑल एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ डेवलप्ड मस्क्यूलर सिस्टम। डेवलप्ड मस्क्यूलर सिस्टम, इवन दो जो भी हम लोकोमोशन भी करते हैं वो भी इसी के जरिए से करते हैं। ठीक है राजा बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें एनिमल्स में अच्छा खासा नर्वस सिस्टम होता है। मैं क्लास पढ़ा रहा हूं और मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है, आपने पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। से फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने किसी को पत्थर मारा, उसको दिख रहा है मेरे ओर कुछ मारा जा रहा है, दैट मीन्स वो उस स्टिमुलाई के ओर रिस्पॉन्स कर रहा है, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, और ये नर्वस सिस्टम हमारे पास हमें मदद करता है, किसको हेल्प करता है, टू रेस्पॉन्ड, किसके ओर रेस्पॉन्ड करता है, स्टिमुलाई के ओर, लेकिन बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई वेरी क्विकली, और जितनी जल्दी हो सके। से फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बच्चे को मैंने यहां से कहा फलाने बच्चे को चलो बेटा आप उठो स्टैंड अप, दैट मीन्स द मोमेंट आई कॉल दैट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट अपने नाम से उठ के अपना नाम खड़ा हो जाता है, दैट मीन्स उसके नर्वस सिस्टम ने उसकी कन्वे मैसेज की। ठीक है बेटा, एनिमल्स में हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल जो है बेटा एब्सेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है। जैसे हमने प्लांट्स में देखा, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स में सेल वॉल होता है, और प्लांट्स में न्यूक्लियस पेरिफेरी पे होता है, साइड में होता है, क्योंकि वहां पर बीच में वैक्यूल होता है। लेकिन एनिमल्स में वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल जो है एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनस्टेड मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन बेटा क्या होते हैं, इनस्टेड मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, ओके सो बेटा छोटे छोटे वैक्यूल्स जो है इसमें होते हैं। समझ आई बात बेटा, उसके बगैर हमारे पास एनिमल्स के अंदर प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम भी होती है, यानी डाइजेशन भी इनके अंदर होती है। सो हम कहेंगे इसमें डाइजेशन भी होती है एनिमल्स में, क्योंकि बेटा हमने पहले ही कहा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनजेस्टिव है, सो ये खाने को क्या लेते हैं, एज अ सॉलिड फूड लेते हैं, यानी फूड इज टेकन इन द सॉलिड फॉर्म, और उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है। सो सबसे पहले फूड इज टेकन किसमें, इन द सॉलिड फॉर्म। सो बेटा जब हम कोई भी चाहे रोटी खाए चावल खाए, हम सबसे पहले उसको मुंह में लेते हैं, और फिर बेटा विद द हेल्प ऑफ टीथ हम उस खाने को क्या करते हैं बेटा मेरा, मैस्टिकेट करते हैं। सो वहां पर सलाइवा के साथ वहां फूड को क्या बनता है, बोलस बन जाता है। तो बोलस के बाद यही बोलस सीधे कहां चला जाता है, स्टमक में, वहां पर तो काइम बनता है बेटा, फिर फर्दर आगे क्या बन जाता है, काइल बन जाता है। दैट मीन्स ये तो यहां पर क्या हो जाता है, इसको ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है बेटा, सिंपल, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल। गेटिंग माय पॉइंट राजा बेटा, उसके बाद बेटा जब डाइजेशन हो गई तो एनिमल्स में आप वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, उस वेस्ट को बाहर निकालना है, उसके लिए बाज़ाब्ता एनिमल्स में इजेशन हो जाती है। इजेशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं इजेशन, यानी वो पार्ट ऑफ फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है उसी को बाहर निकालना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम इजेशन कहते हैं। समझ आ रहा है बेटा, और उसके बगैर हमारे पास इन्हीं में हमें क्या होता है बेटा,
आगे बढ़ाना यानी जनरेशंस को आगे बढ़ाना, यानी बेटा मेरा इनमें एक प्रोसेस है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी इस अपने नस्ल्स को आगे बढ़ाना। अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा है जिस प्रोसेस का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन जो है बेटा, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में एसेक्चुअली होती है और कुछ में जो है सेक्चुअली होती है। ठीक है बेटा। सो एसेक्चुअली जो है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है रेयर है, ज्यादातर लोअर फॉर्म्स में होती है। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है रेयर है, ज्यादातर किस में होती है बेटा, लोअर फॉर्म्स में। लेकिन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमन है, सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है बेटा मेरा कॉमन है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है बेटा। और ये कब हो जाता है, और इनमें जो गैमेट्स बन जाते हैं वो गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, वो हैप्लॉयड होते हैं। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, दो टर्मिनोलॉजीज है, एक को हम कहते हैं डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड हो गया 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हो गया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा। और इनमें एनिमल्स में एम्ब्रियो स्टेज जो है बेटा प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो स्टेज इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा मेरा। सो व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ, मैंने आपको पढ़ाया आज की क्लास में अभी तक कि कैरेक्टरिस्टिक्स किनके बेटा मेरा, एनिमल्स के। एनिमल्स में जो है नॉर्मल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया। एनिमल किंगडम किनका किंगडम है, और ये कंज्यूमर्स का किंगडम है जिसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा मेरा हेटीरियोट्रॉपिक है। ठीक है बेटा। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चे को भी कहीं पे कोई भी डाउट हो वो बताए विदाउट एनी हेजिटेशन, वो आप कमेंट मुझे कर सकता है या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप करके बता सकता है। ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं कल। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।